चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड द डिस्टेंस एक्स इज टी इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट, द रिटार्डेशन इज, रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले रिलेशन क्या दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर इसको इक्वेशन वन मान लें और एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, dt by dx is equal to alpha into 2x plus beta into 1, ठीक है। और ये अच्छा dx by dt होता है v, तो ये तो उल्टा है, तो ये 1 by v होना चाहिए, ये वैल्यू 1 by v, तो 1 by v is equal to 2 alpha into x plus beta, इसको रिवर्स कर दो तो v is equal to 1 by 2 alpha x plus beta होगा, ठीक है। अब रिटार्डेशन पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखो रिटार्डेशन यानी एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, dv by dt, इसको ऐसे भी तो लिखते हैं, dv by dt into dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, a is equal to dv by dx into dx by dt, तो dx by dt क्या होता है, v होता है, तो a is equal to v into dv by dx, करेक्ट, सही है। अब देखो जरा इसमें, तो v की वैल्यू ये दी हुई है, तो dv by dx कैसे निकाला जाए, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दें इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन 2 को मैं अगर डिफरेंशिएट कर दूं x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 अल्फा x प्लस बीटा का पावर माइनस 2, माइनस 1 ऊपर गया था तो माइनस 1 हुआ था, ठीक है, तो माइनस 1 इंटू दिस, ठीक है। तो dv बाई डी एक्स, और इसको फिर डिफरेंशिएट भी तो करना है जिसको आपने किया हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएट कर 2 अल्फा इंटू 1 प्लस 0, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये लिख सकते हैं क्योंकि रिटार्डेशन, तो माइनस 2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन भाई सही किए ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं किए, ठीक है, माइनस 2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, तो ये वैल्यू उठा के हमको यहाँ रख देनी है, ठीक है, ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे, तो नेगेटिव साइन रिटार्डेशन को बता रहा है तो हमको शो करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, 2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा ये वैल्यू है 1 अपॉन दिस की वैल्यू है v, तो 1 अपॉन ये पूरी वैल्यू v स्क्वायर होगी, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो v स्क्वायर होगी, तो v पहले से है, एक v स्क्वायर ये हो गया इंटू 2 अल्फा, तो ये v क्यूब हो गया, तो 2 अल्फा इंटू v क्यूब हो गया, रिटार्डेशन यानी एक्सेलेरेशन की वैल्यू 2 अल्फा इंटू वी क्यूब, कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ये वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।